हर धर्म समुदाय के लोग अपने लोगों का अंतिम संस्कार अपनी रीति से करते हैं। जैसे हिंदू शवों को जलाते हैं तो मुस्लिम उन्हें शमशान या कब्रिस्तान में दफनाते हैं। ईसाई समुदाय के लोग भी बड़े कॉफिन्स में शवों को रखकर दफनाते हैं। गोसाई, नाथ और बैरागी समाज के लोग अपने मृतकों को समाधि देते हैं। इसके अलावा हिंदुओं में बच्चों को दफनाए जाने का प्रचलन है। बौद्धों में भी जलाने और दफनाने दोनों की ही परंपरा है, जो कि स्थानीय संस्कृति के रिवाज से आती है। सिखों में भी मृतकों को जलाया जाता है। अलग अलग धर्मों में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन मोटे तौर पर सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका या तो शव को दफनाना या फिर उसे जलाना होता है। इस मामले में पारसी धर्म एकदम अलग है। वो मरने के बाद शव को ऊंचे खुले स्थान पर रख देते हैं, जहां गिद्ध मृत शरीर का भक्षण करते हैं। नमस्कार, धेय टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। हाल ही में पारसी तौर तरीके से अंतिम संस्कार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टॉवर ऑफ साइलेंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पारसी धर्म के रीति रिवाज से अंतिम संस्कार की इजाजत देने से मना कर दिया है। दरअसल पारसी समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कोरोना से जान गंवाने वाले अपने परिजनों का अंतिम संस्कार पारसी धर्म के तरीके से किए जाने की छूट दी जाए। दरअसल पारसी रीति रिवाज में शवों को दफनाने या दाह संस्कार करने पर रोक है। केंद्र ने अंतिम संस्कार के लिए जारी एसओपी को बदलने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि कोविड से मौत होने पर संस्कार का काम पेशेवर द्वारा किया जाता है, यानी प्रोफेशनल द्वारा किया जाता है। मृत शरीर को इस तरह खुला नहीं छोड़ा जा सकता। कोविड एक संक्रामक बीमारी है, कोरोना वायरस बहुत संक्रामक है और इस तरीके से ये पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम धर्म के अधिकार की भी बात करें तो हमारे धार्मिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं अनुच्छेद 19 के तहत, उसमें उन रिलीजियस राइट्स पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सदाचार, नैतिकता, अपराध उद्दीपन, ऐसे कई आधार हैं। उसमें एक आधार है लोक स्वास्थ्य, यानी कोई चीज़ अगर पब्लिक हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है तो उस आधार पर धार्मिक अधिकारों का विनियमन किया जा सकता है या फिर धार्मिक अधिकारों पर रोक भी लगाई जा सकती है। पारसी यानी ज़ोरास्ट्रियन समुदाय द्वारा मृतक के शरीर को एक ऊंची पहाड़ी में, जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है, उस स्थान पर रखा जाता है। वह खुला स्थान होता है ताकि सूर्य की किरणों से शरीर विघटित हो जाए। उसे गिद्धों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। मुंबई में भी टावर ऑफ साइलेंस है, जहां एक मीनार के ऊपरी हिस्से में खुले में शव को रखकर गिद्धों को आमंत्रित किया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस, हिंदी में उसे निस्तब्धता का दुर्ग कहते हैं, पारसियों के कब्रिस्तान को कहते हैं और यह गोलाकार खोखली इमारत के रूप में होता है। यहाँ पर पारसी लोग अपने मृत जनों का अंतिम संस्कार करते हैं। भारत में मुंबई के मालाबार हिल पर टावर ऑफ साइलेंस स्थित है और मालाबार हिल्स मुंबई का सबसे पॉश इलाका है। यह चारों ओर से घने जंगलों से घिरा है और ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण 19वीं सदी में हुआ था। टावर ऑफ साइलेंस में केवल एक ही लोहे का दरवाजा है। टावर का ऊपरी हिस्सा खुला रहता है, जहां शवों को रखा जाता है। पारसी धर्म को भारत के बाहर ज़ोरास्ट्रियंस धर्म कहा जाता है। पिछले करीब 3000 वर्षों से पारसी धर्म के लोग दोख मेनाशिनी, जिसे टावर ऑफ साइलेंस भी कहते हैं, नाम से अंतिम संस्कार की परंपरा को निभाते हैं। इस परंपरा को निभाने के लिए ये लोग पूरी तरह गिद्धों पर ही निर्भर हैं, क्योंकि गिद्ध ही मृतक के शव को अपना भोजन बनाते हैं। पारसी पृथ्वी, जल और अग्नि को बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए समाज के किसी व्यक्ति के मर जाने पर इसकी देह को इन तीनों के हवाले नहीं करते। इसकी बजाय मृत देह को आकाश के हवाले किया जाता है। पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। इसकी स्थापना पैगंबर ज़राथुस्त्र ने प्राचीन ईरान में 3500 साल पहले की थी। 1000 सालों तक ज़ोरास्ट्रियनिज्म दुनिया के एक ताकतवर धर्म के रूप में रहा और 600 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक यह ईरान का आधिकारिक धर्म रहा। लेकिन आज की तारीख में पारसी धर्म दुनिया का सबसे छोटा धर्म है। हालांकि पारसी धर्म के सामने केवल घटती आबादी ही एक चुनौती नहीं है। तो ये था आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ वर्डिक्ट निर्णय, जो पारसी धर्म के अंतिम संस्कार के रीति रिवाज से संबंधित था। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि पारसी धर्म के कौन से 5 सबसे विलक्षण फीचर्स हैं जो उसे विशेष धर्म बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।